Hello everyone, this is Sukhdev Kumar. Hope you all are good. So today's topic is on hidden cameras in hotel room, changing room, etc. Obviously, हम लोग इस बारे में बहुत कोई जानते हैं कि अक्सर ऐसे places में hidden cameras पाए जाते हैं. Okay, like आप mall में गए हो shopping करने के लिए, mainly cameras hide किया जाता है जो women लोग का trial room होता है. Okay, so उन्हें पता भी नहीं होता है कि जब वो change कर रही है एक मॉल. ऑब्वियसली किसी को डाउट नहीं होगा, एक आप हाई फाई भरे एक तो मॉल में गए हो, इवन नॉट ओनली हाई फाई मॉल्स, छोटे मोटे जो शॉप्स है जो ट्रायल रूम्स रखे हुए हैं वहाँ पे भी सेम ऐसे बहुत सारे केसेस है जो पाए गए हैं कि दुकान में ट्रायल रूम के अंदर में हिडन कैमरा लगा हुआ था. ओके, तो उन्हें ऑब्वियसली किसी को आइडिया नहीं होगा. नॉर्मली क्या होता है कि जाती हैं ड्रेसेस जो लेना होता है लेके ट्रायल रूम में ऑब्वियसली जाके चेंज करेगी. अब चेंजिंग रूम में उन्हें बस पता है कि अपना देख रही है सब कुछ ठीक है कि नहीं, ड्रेस वगैरह ओके, फिट साइज एंड ऑल. एंड वहीं पे क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं रह के भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उनका. ओके, एंड उन्हें तो पता चल रहा नहीं है. अब वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जो रिकॉर्ड किया उसके पास वीडियो आ गया, वो क्या किया कहीं पे अपलोड कर दिया, जिससे क्या हुआ ऑब्वियसली पकड़ा नहीं जा सकता कौन हिडन कैमरा लगाया था या फिर कहाँ पे था एग्जैक्टली. इवन वो अगर याद करने की कोशिश करेगी, बहुत सारा ऐसा होता है कि अगर आप ट्रायल रूम का देखोगे, मैक्सिमम ट्रायल रूम्स अगर आप वीडियो में देखोगे ना सेम लगता है, तो गेस करना बहुत दिक्कत हो जाता है. इवन अगर गेस कर भी लेते हो तो जो कल्पिट है उनके पास तक पहुंचना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, तो बेसिकली ये वीडियो इसी पे बनाए हम, लाइक कैसे करके आप खुद को प्रिवेंट करोगे हिडन कैमराज से. या ओके, चलिए अब बताने वाले हैं एक तो महाबलेश्वर का केस से. ओके, इसमें क्या हुआ था, एक लड़का एक होटल में गया, होटल का नाम आई थिंक साई रूम समथिंग कुछ था, या साई रेसिडेंसी. ओके, नाउ वो क्या किया, अपने फ़ोन में एक तो एप्लीकेशन रखा था, ऑब्वियसली एंड्रॉयड इवन iOS बोथ के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है. वो चेक किया, नॉर्मली चेक करने के बाद उसे पता चला कि उसके रूम में दो हिडन कैमराज है. एंड गेस व्हाट गाइस, जब उन्होंने मैनेजमेंट को कंप्लेन किया होटल का, तो वहाँ से उन्हें थ्रेटन दिया गया कि अगर आप पुलिस को बुलाओगे तो आप यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगे. स्टिल वो पुलिस को बुलाया. ओके, बुलाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहाँ से पता चला कि दो ठो कैमरा था, इवन ऐसे ऐसे करके और भी बहुत सारे रूम्स में कैमराज मिले हैं. ओके, नाउ अगर आप ऐसे किसी केसेस में फंसते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पुलिस को ऑब्वियसली मैनेजमेंट को फ़ोन करने से पहले, जो फोन हम लोग क्या करते हैं ना घबराहट में क्या करते थे, गलती कर देते हैं. ऑब्वियसली एक होटल में अगर आपको कैमरा मिल रहा है तो होटल का मैनेजमेंट इन्वॉल्व ऑब्वियसली है. ऐसे बहुत कम केसेस हैं जहाँ पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है ऑब्वियसली. ठीक है, तो अगर आप ऐसा दिखते हो कि ऐसा कुछ कैमराज वगैरह मिला, इंस्टेंट आपको क्या करना है, इमीडिएट विदाउट इन्फॉर्मिंग द रिसेप्शन और मैनेजमेंट, आपको क्या करना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल करना है आपको. ओके, कॉल करने के बाद सिंपली आप बोलिए कि हमें होटल में है ये रूम नंबर, ये है हमको यहाँ से हिडन कैमराज मिला है, आप तुरंत आ जाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम होटल को इन्फॉर्म नहीं करना चाहते हैं. ओके, ऑब्वियसली पुलिस रेस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद जो होगा रिजल्ट आपके सामने होगा. अब क्या करना होगा ऐसे चीज़ों से बचने के लिए, जब भी आप होटल्स वगैरह विजिट करते हो या इवन ट्रायल रूम्स वगैरह, मेनली ये वुमेन के लिए है. ओके, तो जब भी विजिट करते हो आप लोग, तो सबसे पहले आपको क्या करना है चेक कर लेना. अगर आपके पास डिवाइसेस नहीं है तो आप सिंपल प्ले स्टोर में जाइए, या फिर आप अगर एप्पल यूज़र हैं तो वहाँ पे iOS का जो सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेगा वहाँ पे आपको अलग सॉफ्टवेयर्स मिलेगा. ओके, आप चेक कर सकते हो हिडन कैमराज फाइंडर, बहुत सारे ऐसे डिटेक्टर मिल जाएंगे आपको. ओके, इवन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को एप्लीकेशन, ऑब्वियसली एप्लीकेशन में ना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि आपको सच में मिल जाए, हार्डली अगर एक या दो मिल गया तो ओके फाइन, बट बहुत रेयर चांसेस रहता है कि आपको मिले फ़ोन एप्लीकेशन से. तो इट्स बेटर कि आप एक तो डिवाइस खरीद लीजिए, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस अभी आ चुके हैं जो डिटेक्ट करते हैं हिडन कैमराज, इवन अगर वो कहीं पे भी छुपा हो. ओके, रूम में बहुत सारे ऐसे जगह प्लेसेस होते हैं, लाइक जैसे आप होटल में गए. ओके, होटल में आपको दिखेगा कि कोई कोई होटल्स, अगर आप 4-star 5-star होटल्स का अगर हम बात करें, तो आपको चार्जर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह अलॉट करता है होटल की तरफ से मिलता है. ओके, तो उसमें भी हिडन कैमराज हो सकता है. जब आप वॉशरूम यूज़ करने जा रहे हो, शावर के एकदम बीचों बीच हो सकता है, शावर का जो टैप आप ओपन कर रहे हो उसमें हो सकता है, ऐसी बहुत सारी जगह प्लेसेस में आपको हिडन कैमराज मिल सकता है. ओके, तो या तो आपके पास अगर डिवाइस नहीं है या फिर आपके पास एप्लीकेशन नहीं भी है, तो आपको क्या करना है, क्लोथिंग हुक्स, अगर आपका रूम में ऑब्वियसली कबर्ड जो होगा वहाँ पर आपको देख चेक करना होगा कि कहीं कोई होल तो नहीं, एकदम पिन होल रहेगा गाइस,
गौर करिए कि एकदम पिन होल रहेगा, आपको चेक करना है कि पिन होल है कि नहीं, ओके। इवन मिरर्स वगैरह आपको चेक करना है, हेयर ड्रायर्स अगर होटल की तरफ से अलॉट किया गया तो उसको चेक करना है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स जो रहेगा, ऑब्वियसली सॉकेट्स में सबसे ज़्यादा चांसेस होता है जो कंप्लीट रूम को कवर करता है, ओके। बिसाइड लैम्प्स, अगर रूम में लैम्प्स वगैरह है तो लैम्प के अगल बगल देखिए, लैम्प में देखिए, ओके। प्लांट डेकोर अगर किया हुआ है ऑब्वियसली उसमें रह सकता है, प्लेस है। इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अगर ऑब्वियसली जो हम पहले मेंशन की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अगर आपको मिलता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले चेक करिए, ओके। अगर बेड के बगल में जो बेड टेबल होता है, बेड टेबल में हो सकता है, ओके। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, अगर आप एक रूम में विजिट करते हो ना, हर वो चीज़ है जहाँ पे हिडन कैमरा लग सकता है, ए टू जेड चीज़ों में हिडन कैमरा छुपाए जा सकते हैं, ओके गाइज। नाउ ऑब्वियसली जैसे हमने बताया, आपको या तो एप्लीकेशंस डाउनलोड करना होगा या फिर आपको डिटेक्टर्स खरीदना होगा। ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा स्पाई कैमरास, ओके। स्पाई कैमरा डिटेक्टर्स नाम होता है, या फिर आप हिडन कैमरा डिटेक्टर बोल के सर्च कर सकते हो, ओके। एंड गाइज इसका प्राइसेस थोड़ा हाई होता है ऑब्वियसली गाइज। देखिए अगर आप बोलिएगा कि अब हम खुद को बचाने के लिए एक हिडन कैमरा खोजने के लिए होटल रूम का या फिर ट्रायल रूम का हम क्यों इन्वेस्ट करें 4 to 10K या फिर 15K, बट गाइज अगर आपका ऑब्वियसली एक पर्सन के लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, अगर कोई वल्गर वीडियोस आपका लीक हो जाता है तो ऑब्वियसली आप फेस करोगे, कोई और तो नहीं कर रहा यहाँ पे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें तो क्या होगा, अगर आप फ्रिक्वेंटली विजिटर हो होटल्स रूम्स या फिर ऑब्वियसली जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स शॉपिंग सबसे टॉप मोस्ट में होगा, आप लोग शॉपिंग एक्सेस लेवल में कर रही हो, आप मॉल्स विजिट कर रही हो, ट्रायल रूम्स विजिट कर रही हो, ओके। आपको पता भी नहीं है ट्रायल रूम्स में क्या लगा हुआ है। आप बोलोगे कि हम हाई फाई मॉल्स में शॉपिंग करते हैं, ओके, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस क्या होता है गाइस पता है, 5-star होटल्स 4-star होटल्स इवन हाई फाई जो मॉल्स सब होते हैं, हाई टेक मॉल्स जो होते हैं वहाँ पे केसेस पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे डाउट हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो बजट होटल होते हैं उस पर सोचते हैं, यहाँ पे कोई और इतना खर्चा कौन करेगा, कौन उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे हिडन कैमरा छुपाने के लिए, ओके। सॉरी गलत बोले, हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकता है क्योंकि इनका तो रेपुटेशन उतना हाई नहीं है तो ये सब कर सकते हैं। एंड अगर हम कोई 4-star या 5-star होटल विजिट किए हो तब हम लोग सोचते हैं हाई फाई होटल है, 5-star होटल है, यहाँ पे ऐसा कोई कुछ कर थोड़ी करेगा, अपना रेपो थोड़ी खराब करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, इवन होने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा गाइस, अगर आप चेक नहीं कर रहे हो ना आपको तो पता ही नहीं चलता। आप होटल विज़िट किए, अपना वीकेंड स्पेंड किए या फिर हॉलीडे स्पेंड किए, आप वहाँ से चल गए, वीडियो अगर अपलोड हुआ भी हू नोज़, अगर आपके पास नहीं आया तो कोई और तो देख रहा है, क्यों मौका दे। ऑब्वियसली अगर हम लोग सामने से किसी को मौका देंगे कि हाँ ठीक है तुम रिकॉर्ड करो, हमें पता होने के बावजूद अगर हम चेक नहीं कर रहे हैं तब तो हमारा फॉल्ट हो रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे एक तो वीडियो दिखाते हैं, एक स्पाई कैमरा फाइंडर है, ओके। इसमें क्या होता है, होल्ड ऑन गाइस, इसमें क्या होता है, आप जैसे ही सपोज यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड हो गया था गाइस, तो जैसे ही आप इसको प्ले कर ये रूम में आओगे, आप देख रहे हो यहाँ पे एक तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इनका, इन्हें पता नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उनका, अब ये वॉशरूम विजिट करते हैं यहाँ पे भी इनका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इन्हें पता नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। चलिए देखते हैं क्या करती है अभी, ये सिंपली क्या करेगी अभी, स्पाई कैमरा फाइंडर निकालेगी एंड चेक करेगी रूम में कहाँ कहाँ हिडन कैमरास छिपाए गए हैं, ओके। ये आप अगर आप स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हो गाइस, amazon.in में भी अवेलेबल है एंड .com में भी है, आप सिंपली टाइप करिए स्पाई फाइंडर प्रो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, 6 super bright LEDs है जो कि डिटेक्ट करता है हर वो प्लेसेज जहाँ पे नॉर्मल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल कोई भी गैजेट डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ओके। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो एक तो टेलीफोन के बगल में यहाँ पे एक तो डिवाइस था जो कि वॉच है, ओके, टाइम शो कर रहा है बट उसमें भी कैमरा है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, आप कम से कम रोशनी में भी ये शो कर देगा कि जहाँ पे हिडन कैमरा हाइड किया हुआ है वहाँ पे वो ब्लिंक करने लगे, एक तो LED ब्लिंक करेगा जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये स्पेसिफिक प्लेस में एक तो हिडन कैमरा छुपा हुआ है। आप गेस भी नहीं कर सकते हो गाइस कहाँ कहाँ हिडन कैमरास लग सकते हैं, आप सोच सकते हो जैसे हम थोड़ी देर पहले जैसे बताए सावर का जो टैप होता है उसके बीचों बीच जो जैसे जहाँ पे जो स्क्रू तो टाइट किया जाता है, ओके, स्क्रू के एकदम बीचों बीच मिडिल में पिन होल करने के बाद वहाँ पे अंदर में कैमरा छिपाया जाता है। ऑब्वियसली किसी को उतना पता थोड़ी चलेगा,
अगर आपके पास डिवाइसेज है तो ऑब्वियसली आपको तब पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे हिडन कैमरा है, तो आप ऑब्वियसली जैसे आपको निकल मिल रहा है आप निकालिए मत या कुछ करिए मत, ओके नहीं कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली पुलिस में फ़ोन कर देना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दीजिए, रेस्ट उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।